ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह ज़वज़ल की खुद की बुराइयों से, तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता है, और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का अकदार सिर्फ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं। हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहले वाल पर, उनके सहाबा पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो भी हक मैं आप लोगों के सामने पेश करूँ अल्लाह ताला की तरफ से, अगर मुझसे कोई गलती या कोताही हो जाए तो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से। सूरतुल अहज़ाब इंशाल्लाह ताला हम करेंगे अब। सूरतुल अहज़ाब मदनी सूरत है, तरतीब के अतबार से 33rd सूरत है और नज़ूल के अतबार से 90th सूरत है। 73 आयात है, 9 रुकू है। इसमें शरीयत के बहुत सारे अहकाम हैं। अहज़ाब का मतलब होता है ट्रूप्स या ग्रुप्स। इसमें गज़वे अहज़ाब, जिसे गज़वे खंदक भी कहा जाता है, उसका जिक्र है, जिसकी वजह से इसका नाम सूरतुल अहज़ाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। या अय्युहन नबी, ए नबी, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर ए नबी कहा जा रहा है। नबी जो है नबा से है, खबर देने वाला, नबा मींस न्यूज़। तो यहाँ पर जो है ए नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे नामों से जो है पुकारा गया है, कहीं ए रसूल, कहीं मुजम्मिल, कहीं मुदस्सिर, मोहम्मद भी जो है उनको बुलाया गया है। यहाँ पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अय्युहन नबी इत्तक़िल्लाह, अल्लाह का तख्वा इख्तियार कीजिए, क्योंकि अहकामात आने वाले हैं और अहकामात के ऊपर अमल करना, उसको बताना, ये सारी चीज़ों के लिए तख्वा ज़रूरी है। वला तुतीअल काफिरीन, और ना इताअत कीजिए काफिरों की, यानी काफिरों को उबे मत कीजिए। वल मुनाफिकीन, और मुनाफिकों की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है यहाँ पर, बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जा रहा है। लेकिन हमारे लिए भी इसमें यही हुक्म है कि काफिरों की और मुनाफिकीन की जो है इताअत मत करो, उनको उबे मत करो, चाहे ज़ाहिरी दुनियाई मामलात हो या दीनी मामलात हो। इन अल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला है, हिकमत वाला है। यानी अल्लाह ताला के इल्म पर बेस्ड और जो है हिकमत के ऊपर बेस्ड तमाम अहकामात है। वत्तबिअ, और पैरवी कीजिए, किसकी पैरवी कीजिए, किसको फॉलो कीजिए, मा यूहा, जो वही की जाती है, इलैका आपकी तरफ, जो मिर रब्बिका, आपके रब की तरफ से, यानी कुरान और सुन्नत अल्लाह ताला की तरफ से आई है, तो उसकी पैरवी कीजिए और काफिरीन की और मुनाफिकीन की जो है इताअत मत करिए। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना बीमा तअमलून खबीरा, है साथ उसके जो तुम अमल करते हो खबर रखने वाला है। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि काफिरों की और मुनाफिकों की इताअत मत करो, और जो तुम्हारी तरफ यानी नाजिल हुआ है, यानी कुरान और सुन्नत, उसको उसकी क्या करो, पैरवी करो। अब यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन ये हुक्म हमारे लिए भी है। हुक्म इसलिए है कि वो प्रैक्टिकली अमल करके बताते थे हमको कि किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना है। और उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान हैं और इतना बड़ा मर्तबा रखते हैं, मेराज और इसरा का सफ़र किया, तमाम अंबिया अकराम के इमाम रहे, उनसे कहा जा रहा है कि तुमको भी छूट नहीं है, तुम जो कब करते हो उसका जो है अल्लाह ताला क्या करते हैं, खबर रखने वाले हैं, तो फिर हमारी कैसी कैफियत होनी चाहिए, तो ये हमें यहाँ पर देखना है। वह तवक्कल अल्लाह, और तवक्कल कीजिए अल्लाह ताला पर। तवक्कल वकील से है, वकील को हम क्या करते हैं, अपना केस पूरा हैंड ओवर कर वी ट्रस्ट देखना। तो यहाँ पर भी हम सब चीज़ अपनी मेहनत करने के बाद अल्लाह ताला के ऊपर जो है सुपुर्द कर क्या करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। वकफ़ा बिल्लाही वकीला, और काफ़ी है अल्लाह ताला कारसाज़, क्योंकि भरोसे के लिए अल्लाह ताला काफ़ी है, इनफ है,
क्योंकि आगे बहुत सारे अहकामात आने वाले हैं, और यूजुअली क्या होता है जब अहकामात आते हैं तो हमको टफ लगता है, हम कैसे करेंगे लगता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, बस क्या करो, अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल करो। मा जअलल्लाहु, नहीं बनाया अल्लाह ताला ने ली रजुलिन, किसी शख्स के लिए, मिन अल्बैनि फी जौफी, दो दिलों में से उसके पेट में। यहाँ पे जौफे यानी जौफ एक्चुअली हॉलो स्टमक कैविटी को कहा जाता है। तो अब अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं किसी को भी जो है दो दिल नहीं है, यानी यहाँ पर ये है क्या किसी के सीने में दो दिल है? नहीं है। तो जैसे एक सीने में दो दिल नहीं हो सकते हैं, एक साथ दो यानी दो चीज़ें अंदर नहीं हो सकती है, यानी ईमान और कुफर एक साथ नहीं हो सकता है। जिस तरह एक सीने में दो दिल होना इम्पॉसिबल है, उस तरह एक ही सीने में ईमान और कुफ्र जो है दोनों एक साथ होना ये पॉसिबल नहीं है। वमा जअला अज़वाजकुमुल्लाती तुज़ाहिरूना मिन्हुन्ना उम्महातिकुम, और नहीं उसने बनाई तुम्हारी बीवियाँ वो जो तुम ज़िहार करते हो उनसे माएँ तुम्हारी। ज़िहार जो है अहले अरब में एक तरीक़ा था जिसमें मर्द क्या करता था, तुम मेरी माँ की तरह हो करके उसको ऐसे कह देता था। तो उसमें क्या होता था, उससे जब माँ की तरह है तो उससे कोई इंटिमेसी या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स नहीं रखता था, लेकिन उसको तलाक भी नहीं देता था। तो अब वो ना शादीशुदा रहती थी ना तलाक याफ्ता रहती थी, एक जहालाना एक तो उन लोगों का रिवाज था, एक रस्म था। अब इसको जो है यहाँ पर अल्लाह ताला खत्म करना चाह रहे हैं। इसकी तफसील सूरतुल मुजादला में बहुत डिटेल में आता है। एक सहाबिया आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी शिकायत करती है, तो फिर उसमें जो है हुक्म आता है कि ये पहली तो ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, और फिर बीवी से वापस जो है नॉर्मल रिलेशंस करने के लिए, एक मतलब ये गलत कसम खाने के लिए, गलत बात बोलने के लिए, ये ग़ुलाम आज़ाद करना है, या तो 2 महीने मुतताबियन रोज़े रहना है, या तो फिर 60 मिसकिनों को खाना खिलाना है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम इस तरह ज़िहार की कोई बात कहो, या इस तरह का जाहिलाना बात कहो कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी माओ की तरह है, तो वो नहीं हो सकती है। वमा जअला अदयाकुम, और नहीं बनाया तुम्हारे मुँह बोले बेटों को, अबनाकुम बेटे तुम्हारे, यानी मुँह से अगर किसी को बेटा कह लो तो वो तुम्हारा बेटा नहीं जो है होता है, यानी जो सगा बेटा होता है उनसे औरतों का भी और मर्दों का क्या है एक डिफरेंट वो होगा, यानी विरासत को लेकर, पर्दे को लेकर, मुहर्रमात रिश्तों को लेकर। तो अगर किसी को भी अडॉप्ट कर लिए जो बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, तो फिर वो तुम्हारा बायोलॉजिकल चाइल्ड की तरह जो हक़ है, जो रिश्ता है विरासत में, मुहर्रमात में, रिश्तों में, हुकूक़ में, वो नहीं होगा। ज़ालिकुम कौलुकुम बि अफ़वाहिकुम, ये बात है तुम्हारी साथ तुम्हारे मुँह से, यानी सिर्फ अगर तुम किसी को मुँह से अपना बेटा कह लो, बेटा मान लो, तो फिर ये सिर्फ तुम्हारी मुँह कही या मुँह बोली बात है, इट्स नॉट ट्रुथ, इट्स नॉट रियलिटी। वल्लाहु यकूलुल हक़, और अल्लाह ताला फरमाता है हक़, यानी कि इंसान को क्या करना चाहिए अल्लाह ताला बताते हैं। वह हुवा यहदिस सबील, और वो रहनुमाई करता है रास्ते की। अब अल्लाह ताला सही रास्ता तुमको बताता है, दुनिया में यही सही रास्ता है, और इसको फॉलो करोगे तो तुम जन्नत में जाओगे। उदउहुम, पुकारो उनको, किसको, मुँह बोले बेटों को, लिए आबाइहिम, उनके बापों के लिए, यानी उनके बाप के नाम से फुला फुला का बेटा है ही कहना है, यानी किसी भी इंसान के फादर का नाम चेंज करना नहीं है। हुवा अक़सतु इंदल्लाह, वो ज़्यादा इंसाफ वाला है अल्लाह के नज़दीक, क्योंकि झूठ नहीं बोलना है, इससे क्या होगा नस्ल में एक गड़बड़ हो जाएगी कि किसका बेटा है क्या है, तो जो जिसका बेटा है उसके नाम से ही बुलाया जाना चाहिए। क्योंकि बाप एक तो यहाँ पर ये हो गया कि किसी को भी मतलब बाप का नाम बदलना नहीं है, किसी को भी अपना नाम देना नहीं है, एडॉप्शन करना नहीं है, किसी और के बेटे को अपना नाम देकर जो है उसको वो नहीं करना है, तो एडॉप्शन जो है ये जायज़ नहीं है, किसी के भी बच्चे को अपना नाम देना जायज़ नहीं है। तो क्योंकि जो वो होता है उससे क्या होता है एक रिश्तों में वो होता है ना, जैसे ज़ैद रदी अल्लाह ताला अनहु और ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अनहा का अगर हम देखेंगे, ज़ैद रदी अल्लाह ताला अनहु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे मानते, लेकिन अगर वो सगे बेटे होते तो उनकी बीवी से तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हराम हो जाता, लेकिन फिर इस तरह निकाह करके ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अनहा से ये भी साबित हुआ कि मुँह बोले बेटे जो होते हैं मुँह बोले ही होते हैं, सगे बेटों जैसा रिश्ता नहीं होता, फिर विरासत में भी नहीं होता, फिर पर्दे वगैरह का भी अहकाम आ जाते हैं, फिर खाला चिचा फूफी ये सारों के साथ तो वो भी नहीं होंगे। यहाँ पर बाप का नाम नहीं देना है, और हमारे कल्चर में एक है देखिए हस्बैंड का नाम लेना, यानी बीवियाँ की शादी के बाद क्या होता है वो हस्बैंड का नाम अपने नाम के साथ लगाती है जैसे बाप का नाम, तो वो भी हमारे लिए जायज़ नहीं है। एक औरत हो या मर्द हो, लड़का हो या लड़की हो, उसको उसके बाप के नाम से ही जाना जाना चाहिए।
उसका बाप का नाम ही उसके साथ होना चाहिए और यही सही रास्ता है। फइल्लम तअलमु, फिर अगर नहीं तुम जानो, आबाअहुम उनके बापों को, यानी हो सकता है खरीदा हुआ गुलाम है या कुछ है या वलदुज़्ज़िना है, उसके बाप के बारे में नहीं पता है। फइख्वानुकुम, तो भाई है तुम्हारे, फिद्दीनी दीन में, व मवालीकुम, और दोस्त तुम्हारे, यानी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके बाप का नाम तुम्हें पता नहीं है, तो वो मुसलमान होने की वजह से वो तुम्हारे दीनी भाई। और सलमान फारसी जो है वो कहते हैं कि मुझे 10 से भी ज़्यादा बार बेचा और ख़रीदा गया है, उनको उनके बाप का पता नहीं था, यानी इतने बार उनको, क्योंकि ह्यूमन वो होती थी ना पहले ख़रीदो फरोख्त, तो इतने बार उनको ख़रीदा बेचा गया, उनको असली बाप कौन है वो पता ही नहीं था। तो ऐसे भी लोग हैं जिनके अपने बाप का नाम पता नहीं होता, वो दीनी भाई है। अब यहाँ पर एक और चीज़ नोट ये करना है, दीनी भाई है और हकीकी भाई नहीं है। दीनी भाई और हकीकी भाई, इसमें डिफरेंस है। भाइयों में जो है मुस्लिम कम्युनिटी जो है एक पूरी भाइयों की तरह ही होती है, जैसे आता है ना मुस्लिम कम्युनिटी एक दीवार की तरह है, एक ईंट हिल जाए तो दीवार कमज़ोर हो जाती है, एक जिस्म की तरह है, एक उंगली में तकलीफ हो तो सारे जिस्म को तकलीफ पहुंचती है। तो यहाँ पर तुम्हारा दीनी भाई है लेकिन रियल ब्रदर नहीं है। तो यहाँ पर अगर कोई यतीम भी है, यतीम को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी उसकी परवरिश में अज्र ज़रूर होगा, और उसकी परवरिश के अज्र में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा था कि दो उंगलियाँ जैसे करीब करीब है उस तरह मेरे साथ जन्नत में होंगे। लेकिन सरपरस्ती करने में अज्र है, लेकिन यतीम को भी अगर आप उसकी उसके गार्डियन बन रहे हो, उसको अपना नाम नहीं देना है, वो अपने बाप के नाम से ही जाना जाएगा। वलैसा, और नहीं, अलैकुम, तुम पर जुनाहुन, कोई गुनाह, फीमा, उस मामले में जो अख्ता तुम भी ही खता की तुमने साथ उसके, यानी गलती से दौरे जाहिलियत में अगर कुछ कर लिया तो वो बात अलग है, उसने जब जो कर लिया जहालत में तो उसका गुनाह नहीं है। वलाकिन मा तअम्मदत कुलूबुकुम, लेकिन जो इरादा करे दिल तुम्हारे, यानी अगर तुम इंटेंशनली ये जानने के बाद भी करो, वकान अल्लाह गफूर रहीमा, और है अल्लाह ताला गफूर रहीम, यानी इंटेंशनली अगर तुम जान कर करोगे तो फिर बात अलग है, लेकिन यहाँ पर इंटेंशनली तुमने नहीं किया जो पहले तुम्हें पता नहीं था, तो फिर उसका गुनाह नहीं है। एक बुखारी और मुस्लिम की जो है हदीस है, साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जिसने जानते बूझते अपने बाप को छोड़कर किसी और को अपना बाप करार दिया, उस पर जन्नत हराम है। फिर अन नबीयू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औला बिल मुमिनीना, खरीब तर है मोमिनों के, मिन अंफुसिहिम, उनके नफ्सों से, यानी नफ्सों से बढ़कर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लोज़र है, वेल विशर है, खैरखा है, यानी हम अपने लिए भी उतना भला नहीं समझ सकते हैं, उतना भला नहीं सोच सकते हैं जितना हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते हैं। तो उनकी पैरवी करना है, उनकी इत्तबा करना है, उनसे मोहब्बत करना है। समझ में आया? तो यहाँ पर यही है कि अन्नबीयू औला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरीब तर है मोमिनों के लिए उनके नफ्सों से, यानी वो बहुत ज़्यादा खैरखा है, बहुत क्लोज है, बहुत वेलविशर है, वो तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा भला चाहते हैं जितना तुम अपने लिए भला चाह सकते हो। एक हदीस में ये भी आता है ना कि कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक कि मैं उसके नफ्स, मैं यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके नफ्स माल और औलाद से और सब लोगों से महबूब ना हो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें अपने आप से भी ज़्यादा मोहब्बत होना चाहिए, अपने आप से भी ज़्यादा उनके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। वह अजवाजहू, और आपकी बीवियाँ, उम्महातुहुम, उनकी माएँ हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हम तमाम उम्मत के लिए माएँ हैं। और माओं से खरीब तर कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो माओं के लिए उनका एग्जाम्पल्स लेना है, उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना है। और जैसे मदर्स माओं से निकाह नहीं हो सकता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से भी किसी का निकाह नहीं हो सकता है। और एहतराम जो है उनका, जैसे माओं का करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का अपनी माँ की तरह एहतराम, रिस्पेक्ट, मोहब्बत, ये सब चीज़ें करना है। वह उलुल अरहामी, और रहम वाले यानी रिश्तेदार, जो खूनी रिश्तेदार होते हैं, ये आएंगे। बादहुम, उनमें से बाज, औला बि बादिन, नज़दीक तर है बाज के, फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में, अल्लाह की किताब में यानी अल्लाह के कानून में, अल्लाह की शरीयत के एतबार से। जैसे विरासत के अहकाम हम पहले लिए, कुछ करीबी है, कुछ दूर के हैं। मिनल मुमिनीना, मोमिनों में से, वल मुहाजरीना, और मुहाजरीन में से, यानी हिजरत के बाद क्या हुआ था, सब चीज़ जो है शेयर कर ली थी, भाई भाई बन गए थे, लेकिन ये जो है विरासत के और दूसरे अहकाम जो होंगे वो इस तरह के भाई भाई बनाने लेने में नहीं होंगे। लेकिन जो खराबी रिश्तेदार, यहाँ पे खूनी रिश्तेदार, उलुल अरहाम आया है। अरहाम जो है रहम से है, रहम यानी वूम ऑफ वुमेन, तो वूम ऑफ वुमेन से यानी जो रिश्ते बनते हैं, इसका मतलब ब्लड रिलेशन है।
तो जो ब्लड रिलेटिव है वो है इल्ला अंतफालू, मगर ये के तुम करो इला औलियाइकुम तरफ अपने दोस्तों के मारूफा कोई भलाई। यानी यहाँ पर विरासत में सिर्फ ब्लड रिलेटिव्स में जो हम विरासत की जो है उसमें डिटेल्स में पढ़े थे उन्हीं लोगों में होगा, लेकिन सिवाय उसके जो करो तुम अपने दोस्तों की तरफ भलाई में, यानी एक तिहाई जो विरासत का एक वो दिया गया है तुमको हक, वो तुम अपने दोस्तों को उस एक तिहाई 1/3 में से दे सकते हो। काना है जालिका फिल किताबी मस्तूरा, ये बात किताब में लिखी हुई, यानी लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में अल्लाह ताला तुमको बता दिया, यानी शरीयत के जो लॉज है सूरह निसा में जो हम पढ़े उसमें है, और वैसे भी लोहे महफूज में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। वह इस अखदना, और जब लिया हमने मिनन नबीना नबियों से मीफाक़ा हम पुख्ता अहद उनका, वमिन का और आपसे, वमिन नूहिन और नूह अलैहिस्सलाम से, व इब्राहिम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, व मूसा और मूसा अलैहिस्सलाम से, व ईसा इब्न मरियम और ईसा इब्न मरियम से, व अखदना और लिया हमने मिनहुम उनसे मीफाक़न गलीज़ा अहद पुख्ता। तो यहाँ पर अल्लाह ताला सूरह जो है आल इमरान आयत नंबर 81 में बताते हैं, वह अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीयीना, और जब लिया अल्लाह ताला ने पुख्ता अहद नबियों से, लमा आते तुकुम मिन किताबी व हिकमतिन, जब आएगा तुम्हारे पास किताब और हिकमत, थुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर आ जाएगा तुम्हारे पास रसूल, मुसद्दिक़ कुल लिमा मअकुम, तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे साथ है, लतुमिनुन्ना बिही, तो तुम ईमान लाओगे साथ उसके ऊपर, व लतंग सुरुन न हो, और तुम मदद करोगे उसकी। काला उन्होंने कहा अकरर तुम, क्या इकरार किया तुमने, व अखज तुम और लिया तुमने, अला जालिकुम इसरा इसके ऊपर मदद, कालू अकररना उन्होंने कहा इकरार किया हमने, कालश हदु व अनमाकुम मिन शाहिदीन कहा। तो यहाँ पर काला फशहदु और कहा, यानी अल्लाह ताला ने कहा यहाँ पे फशहदु, तो मैं भी यानी गवाही देता हूँ, वह अन माकुम मिन शाहिदीन, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में हूँ। तो यहाँ पर जो है, जैसे हम सूरह आल इमरान में ले चुके थे कि तमाम नबियों से ये वादा लिया गया था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो फिर उनकी हेल्प भी करेंगे, मदद भी करेंगे, और फिर ये पूरा जो है ये बात यहाँ पे हुई थी, तो इसी चीज़ की यहाँ पर बात है। तो सूरह आल इमरान आयत नंबर 81 में ये जो बात बताई गई है वो एक्चुअली ये है कि तमाम अंबिया अकराम से अल्लाह ताला ने वादा लिया था कि अगर तुम्हारे बाद कोई नबी आएगा तो तुम उसकी मदद भी करोगे, उसके ऊपर ईमान भी लेकर आओगे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आओगे तो तुम मदद भी करोगे और ईमान भी लेकर आओगे, और इसके ऊपर गवाही उनकी वो हुई थी। लेकिन आए तो नहीं उनकी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन फिर उन लोगों ने क्या किया था, हर नबी ने अपनी अपनी कौम से जो है यही वादा लिया था। तो यहाँ पर यह लियस अल सादिकीना, ताकि वो सवाल करें सच्चों से, सिद्दीकीहिम उनके सच के बारे में। तो अब यहाँ पे यह है कि उन लोगों ने, क्योंकि अम्बिया अकराम ने तमाम अपनी कौमों से वादा लिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आएंगे तो उनकी हेल्प करेंगे, तो ये यही है कि तो उनसे भी जो वादा लिया गया था उनके ऊपर, उनको जो है उनसे सवाल किया जाएगा, ये एक बात है। और दूसरी ये है कि अंबिया अकराम से ये सवाल किया जाएगा कि तुमने जो अल्लाह ताला ने जो भी तुमको हक दिया है, किताब दी है, शरीयत के अहकाम दिए है, तालीमात दी है, वो तमाम को पहुंचाया नहीं पहुंचाया, वो सवाल जो है अंबिया अकराम से किया जाएगा। और ये भी सवाल किया जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और फिर उनके ऊपर ईमान लेकर आना है, ये भी अ पार्ट ऑफ जो है हर नबी की तालीम में से था, तो ये सवाल किया जाएगा। वह अद्दलिल काफिरीना, और उसने तैयार किया काफिरों के लिए अजाबन अलीमा दर्दनाक अजाब, यानी नबियों को झुटलाने वाले, क्योंकि ईमान क्या है हमारा, तमाम अंबिया अकराम के ऊपर ईमान लेकर आना है।